भोपाल के अशोक गार्डन इलाके में पिता ने सौतेली बेटी से शर्मनाक हरकत करते हुए रिश्तों को शर्मसार कर दिया। पिता आए दिन अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करता था। पिता की हरकत से परेशान होकर बच्ची ने रोते हुए मां को आप बीती सुनाई। इसके बाद पत्नी ने थाने पहुंचकर पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार बच्ची की मां ने बताया कि उसके काम पर जाने के बाद उसका पति अपनी सौतेली बेटी से छेड़छाड़ करने लगता था। वह रोने लगती थी तो वे मारने की धमकी देता था। पिता के द्वारा लगातार की जा रही ज्यादती से परेशान होकर बेटी ने अपनी मां को पिता की हरकत के बारे में बताया। थाना प्रभारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर सौतेले पिता के खिलाफ बलात्कार और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आया है जहां पर सौतेले पिता ने एक लड़की के साथ कुछ छेड़छाड़ जैसी भी हरकत करी। क्या पूरा मामला है? एक्चुअली कल थाना अशोका गार्डन में एक सूचना आई थी, लड़की की माँ और लड़की दोनों आई थी कि उसका जो बाप है लड़की का वो शराब पी के आए दिन मारपीट करता है। तो पूछताछ पे क्यों मारपीट करता है ये स्पष्ट नहीं बता पा रहे थे, तो फिर थोड़ा बारीकी से दिलासा देके पूछताछ की तो लड़की ने बताया कि एक्चुअली वो मेरे ऊपर गलत निगाह रखता है, आते जाते मेरे कपड़े खींचता है। और ये सारे तथ्य जब उसने बताए तो बारीकी से पूछताछ करने के बाद फिर महिला अधिकारी को बुलाकर महिला अधिकारी द्वारा पूछताछ की गई और फिर लड़की के बताए अनुसार फिर ये छेड़खानी और पाक्सो के तहत और JJ एक्ट में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें कितने साल से ये छेड़छाड़ कर रहा था, क्योंकि लड़की अभी बालिके और पाक्सो उसको लगी हुई है? लड़की अभी 19 साल की है, लेकिन उसने पूछताछ में बताया कि करीब 2 साल से ये घटनाक्रम चल रहा है। तो तत्समय वो नाबालिग थी, इसलिए इसमें JJ एक्ट और पाक्सो एक्ट भी लगाई गई है। सर, इसकी माँ का क्या रोल है इसमें, क्योंकि माँ पूरी घटना को छुपाने का प्रयास करता है? माँ का तो रोल अभी इसमें ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लड़की ने ये बताया है कि जब माँ घर पे नहीं रहती थी तभी ऐसी सब हरकतें करता था, और जैसे ही इसने माँ को बताया तो माँ ने बोला चलते हैं रिपोर्ट करते हैं, ऐसा उसने बताया। बच्ची जो है स्कूल वगैरह जाती है? हाँ, लड़की स्कूल जाती है।